अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है एहसान दानिश और आप देख रहे हैं ब्लॉगर ब्रैकेट्स। आज ये जो वीडियो है इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि लास्ट वीडियो के अंदर जो ऑर्डर हमने डिलीवर किया था उसका जब बायर उसको एक्सेप्ट करता है उसके बाद हमारे पास किस तरह से नोटिफिकेशन आता है और उस नोटिफिकेशन का किस तरह से हमने रिस्पॉन्स करना होता है। बेसिकली ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है और आपकी रैंकिंग में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आपको अगर रैंकिंग में अपनी गिग को लेके आना है तो ये स्टेप आपको लाजमी फॉलो करना चाहिए। इससे बहुत जल्दी आपकी गिग को रैंकिंग मिलती है, बूस्ट मिलता है और बहुत ज़्यादा और बायर्स आपकी तरफ आते हैं। तो चलिए चल के देख लेते हैं कि किस तरह से ये काम करना है हमने और किस तरह से ये वर्क करता है। जी हाँ, तो हम आ चुके हैं अपने प्रोफाइल के अंदर। यहाँ पे जब बायर आपके ऑर्डर को एक्सेप्ट कर लेता है तो इस तरह से कुछ हमारे पास नोटिफिकेशन आते हैं। एक जैसे ये नोटिफिकेशन आया हुआ है, सेकेंडली ये नोटिफिकेशन आया हुआ है। तो हमने क्या करना होता है, सिंपल इस पर क्लिक कर लेना होता है। इनको ओपन कर लेता हूँ मैं दोनों को। इन दोनों को ओपन करने के बाद कुछ इस तरह से मेरे पास ये नज़र आ जाएगा। इसको अगर मैं स्क्रॉल डाउन करूँ नीचे की तरफ तो यहाँ पे देखें ये लिखा हुआ है कि आप अब बायर को रेट करें, मतलब बायर ने आपके वर्क को रिव्यू कर दिया है, आपके वर्क के अबाउट लिख दिया है कि आपने किस तरह से वर्क किया, आपको स्टार दे दिए, अब आपने किस तरह से उसको रिप्लाई देना है। तो सिंपली हमेशा बायर को 5-स्टार रिव्यू दें आप, नो मैटर आपके साथ उसके कुछ भी मसला हो या क्या हो या क्या ना हो, लेकिन आपने बायर को 5-स्टार रेट देना है। उसके बाद आपने एक एटलीस्ट 3 से 4 लाइन का रिस्पॉन्स लिखना है। ओके, तो वो किस तरह से लिखना है, उसके अंदर कुछ चीज़ें ऐसी होनी चाहिए जो मैं अभी बताने लगा हूँ। उसके अंदर वो कीवर्ड्स आपने लाजमी डालने हैं जिनके ऊपर आप रैंक करना चाहते हो। अभी यहाँ पे मैं इस बायर को एक रिस्पॉन्स दे रहा हूँ इसके रिव्यू का, तो मैं देखता हूँ कि किस तरह से उसको रिस्पॉन्स लिखना है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ थैंक और उसके अंदर हमने क्या किया, उसके अंदर हमने कुछ कीवर्ड्स डाल दिए जिनके ऊपर हम रैंक करना चाह रहे हैं। जैसे कि ये मैंने कीवर्ड डाल दिया, ये मैंने कीवर्ड डाल दिया, ये मैंने कीवर्ड डाल दिया, लेकिन मेक श्योर कि आपने रैंडमली कीवर्ड्स नहीं डालने, उनकी कोई सेंस बनती हो। ओके, तो इस तरह से आपने रिव्यू करना। उसके बाद इस सबको मैं कर लेता हूँ कॉपी और पब्लिश रिव्यू कर देता हूँ। जैसे मैंने पब्लिश रिव्यू किया यहाँ पर मेरे पास एक नोटिफिकेशन आ गया। मैं इसको दोबारा से ओपन करूंगा। दोबारा से ओपन करने के बाद कुछ इस तरह से हमारे पास एक और बॉक्स आ जाएगा, पर्सनल दिस विल बी पब्लिक, इस तरह से। तो सेम वही रिव्यू हमने क्या करना है, पेस्ट कर देना है यहाँ पे और शेयर रिस्पॉन्स कर देना है। तो यहाँ पे देखिए उसने मुझे एक 5-स्टार और अच्छे तरीके से रेट किया है, तो मैंने क्या किया, 2 बार उसको रिस्पॉन्स किया है। एक ये पर्सनल रिस्पॉन्स होता है और एक ये जो पब्लिक रिस्पॉन्स होता है। तो इस तरह से आपने करना है हर रिव्यू के रिलेटेड। ओके, इस तरह से आपने रेट करना है बायर को। ओके, आई होप आपको समझ आ गई होगी कि किस तरह से ये डेफिनेटली आपकी गिग को रैंक करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें वीडियो को और नीचे कमेंट करें। आप लोगों की सपोर्ट चाहिए मुझे ताकि हम इंशाल्लाह फ्यूचर के अंदर इसी तरह से मैं आपके लिए वीडियोस लेके आता रहूं जिससे आपको अपने फ्रीलांसिंग कैरियर में ये और बहुत सारी चीज़ों के अंदर हेल्प मिलती रहे। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।